आज मेरे साथ हैं सुरेश चंद शुक्ला जी। ये आम्रप्रिय है और इन्होंने 272 किस्म के आम अपने बगीचे में लगा रखे हैं। अब यही सेवा ये पतंजलि योगपीठ में देना चाहते हैं कि मैं 272 किस्म के आम पतंजलि योगपीठ में लगाना चाहता हूँ और अभी हम सप्तकुटीर में बैठे हुए हैं। ये श्रद्धापूर्वक जैसे प्राचीन काल में ब्राह्मणों के पास, गुरुओं के पास, ऋषियों के पास आते थे तो समित पाणी होकर के आते थे, तो ये आज फल भी लेकर के आए हैं और आमों के पौधे भी लेकर के आए हैं। यद्यपि हमारे पास में करीब 50 किस्म के आम यहाँ पर पहले लगे हुए संत कुटीर में, आज कितने प्रकार के लेके आए हैं? हमने 60 तरह के लाए। 60 तरह के आज ये पौधे लेकर के आए हैं यहाँ पर और साथ में आम भी लेकर के आए हैं। ये कौन सा आम है जो पीले वाला है? ये आम मल्लिका है। मल्लिका, मल्लिका है। तो ये भी ये डाल पर पका हुआ था? ये डाल। क्या बात, ये मल्लिका आम है जो देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके ऊपर ये दूसरा है, ये है टॉमी एटकिन है। टॉमी एटकिन जी, ये फ्लोरिडा का है, अमेरिका की मशहूर वैरायटी। फ्लोरिडा अमेरिका का मशहूर आम है, माने पूरी दुनिया के आम की जो नस्लें हैं उनका इन्होंने कलेक्शन कर रखा है। ये वही है, ये अंबिका है। ये अंबिका है, अंबिका है। ये अलग है, ये अलग है। हाँ, ये सब अलग है। ये देखने में एक जैसे। नहीं नहीं, अभी तो सेंसेशन हो गया, अफ्रीका वाला आप देख कर दंग रह जाएंगे उसको। क्या वो आम है, क्या प्रकृति ने बनाया है। तो ये क्या बताया? ये अंबिका है। ये अंबिका, ये बाबा जी अरुणिका, ये आम जो बना है जो आम्रपाली और जनार्दन पसंद के क्रॉस से बना। अच्छा अच्छा, ये और जो आम्रपाली है वो बना है साउथ की नीलम और हमारे यहाँ की दशहरी को। तो ये संस्कार करके बना है? जी जी, एक से दो को मिला दे, सब को संस्कृत कर दिया, संस्कार। और ये क्या है? ये है श्रेष्ठा है। श्रेष्ठा, श्रेष्ठा, ये बिल्कुल नई वैरायटी है, दुनिया में पहली बार ये आम आया है और मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। पहली बार कैसे आया दुनिया में? इसलिए है ही नहीं, कौन है श्रेष्ठा, पहली बार आया और है नहीं। श्रेष्ठा तैयार किया विशेष? तैयार है, पूसा की वैरायटी है, रिलीज करके हमें मिला पहले, हमारा सेकंड। अच्छा। सेंटर है, पहली बार मेरे पास आया। और इसके पीछे कौन सा है? ये सब, ये अंबिका है, ये अंबिका, ये पूरा, ये अंबिका, ये अरुणिका है, ये अरुणिका, ये कौन सा है? अरुणिका, ये अरुणिका, छोटे वाले आम सारे अरुणिका। इसको बस खाइएगा, आनंद आ जाएगा, इतना बेहतरीन आम है। और ये कौन सा? ये आम्रपाली है, वो नाजुक बदन है पीछे, ये नाजुक बदन, नाजुक बदन। इसका नाजुक बदन कैसे? बदन तो ये लाल हो जाए ना आम, लेकिन इसका छिलका बड़ा डेलिकेट होता है, इसलिए इसका नाजुक बदन। ये नाजुक बदन आम्रपाली तो खूब खाया हमने पहले भी। जी जी, तो ये क्या बताया इसका? ये है अरुणिका, अरुणिका। इसका फ्लेवर देखिए, खुशबू देखिए और इसको खा दीजिए। ये भी मल्लिका ही है इसी का विशेष, स्वादिष्ट। वो भी पूछे बाबा जी, लीजिए जो हर एक आम पर 200 तरह के आम। गुरु जी, हर डाल कहाँ पर आप रहते हैं? ये मथुरा में, लखनऊ में रहते हैं और इनका लखनऊ में, तो खास लखनऊ सिटी के अंदर इन्होंने एक पूरी नर्सरी बना रखी है इसकी। और दूसरी जगह कहाँ है? वो है आगे थोड़ा काकोरी ब्लॉक है, मलिहाबाद ब्लॉक है, काकोरी जो काकोरी कांड, हाँ शहीद वाला था वही पास में बिल्कुल। काकोरी कांड में इन्होंने आम कांड कर दिया है, तो वहाँ पे दशहरी गाँव है, इसका नाम दशहरी से प्रचलित हुआ है, मैं उसी गाँव को बिलोंग करता हूँ। बहुत स्वादिष्ट आम है, तो इनका भी संकल्प है कि पूरे पतंजलि को आम्रमय, माने आम की जितनी भी उन्नत नस्लें हैं वो सबको यहाँ पर ही अपने श्रद्धा से उसको सजोना चाहते हैं। और खास तौर से रंगीन, तो रंगीन बनाए, जब कोई गेट में घुसे तो देखे जरूर कि क्या लगा हुआ। तो इसमें तो आम देखा ही नहीं था हमने। अरे महाराज जी, ये आप लोग तो विश्व घूमे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास है इस फील्ड में, वैसे तो हम लोग स्कूल वगैरह चलाते हैं। इनके आम में इतनी रुचि है गुरु जी, मैं जब भी वहाँ जाता हूँ लखनऊ तो ये कुछ ना कुछ नए नस्ल के हर, क्योंकि 4-5 महीने सीजन चलता है और जब सीजन स्टार्ट होता है तब से अलग अलग किस्म के आम आते रहते हैं और एकदम जो है पूर्ण 100% नैसर्गिक रूप से जो आम है वो सब ऑर्गेनिक है, कोई दवा पानी इसमें बिल्कुल नेचुरल, नो कार्बाइड, नो केमिकल, नो पेस्टिसाइड। और तुम्हारे आम भी तो विशेष मूल्य पे बिकते हैं, ये 100 रुपए का आम जाते हैं, एक आम 100 रुपए का बेचते हैं। स्पेंसर और वो सब ले लेते हैं, वो 250-300 में बेचते हैं 2 पीस। मैं तो कहता हूँ इनके आप लगाइए लाख 2 लाख। मुझे लगता है शुक्ला जी के सहयोग से अब
पतंजलि योग पीठ में जैसे आपने बहुत से फल देखे हैं, योग एक फल है, ये हमारे ऋषियों ने हमें फल ही तो दिए, ये फ्रूट्स हैं हमारे नॉलेज के फ्रूट्स हैं और ज्ञान विज्ञान अध्यात्म के ये जो फल मिले हमें ऋषियों से, अब योग के आयुर्वेद के स्वदेशी के शिक्षा के अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक चिकित्सा के गौ सेवा के अलग अलग आपने फल देखे हैं पतंजलि के, अब आम्र के जो अलग अलग फल हैं, आम के भी जो बगीचे हैं वह पतंजलि योग पीठ में देखें।